सारी हेकड़ी निकल चुकी है। पाकिस्तान से सीपैक निकालने के चक्कर में चीन ने अपना बैंड बजवा लिया है। जो खबरें आ रही हैं उससे चीन की पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान के शांगला जिले में चीनी इंजीनियरों की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ था और इस आत्मघाती हमले में चीन के 5 इंजीनियर मारे गए थे। इसके बाद से ही चीन के कर्मचारी दहशत में हैं। बड़ी संख्या में चीन के कर्मचारियों ने अपने अफसरों से कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। इसके बाद चीन ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 बांध परियोजनाओं का काम बंद कर दिया है। साथ ही वो अपने 1500 नागरिकों को वहां से निकाल रहा है। पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाला चीन हिम्मत हार चुका है। चीन के लोगों को पाकिस्तान में हर पल मौत का डर सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की 9860 मेगावाट की 3 परियोजनाएं ठप पड़ गई हैं। जिन बांधों का काम चीन ने रोका है उनमें से पहला 4320 मेगावाट बिजली क्षमता की दासू बांध परियोजना जिला कोहिस्तान में है। ये पेशावर से 350 किलोमीटर दूर है। मारे गए चाइनीज इंजीनियर इसी साइट के थे। वहां 741 चाइनीज और 6000 स्थानीय कर्मचारी हैं। इन चाइनीज नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। 2 और ऐसे बांध प्रोजेक्ट भी हैं जहां से चाइनीज नागरिक काम छोड़कर भाग रहे हैं। मोहम्मद बांध प्रोजेक्ट स्वात नदी पर है और इसी साल पूरा किया जाना है। इससे 744 मेगावाट पन बिजली पैदा होगी और इनमें 250 चाइनीज कर्मचारी काम कर रहे थे जो अब चीन भागना चाहते हैं। इसी तरह दासू बांध साल 2025 में पूरा होना है, लेकिन यहां पर अब चाइनीज नागरिक काम करना नहीं चाहते। इसी तरह पाकिस्तान के डायमर बाशा बांध प्रोजेक्ट की क्षमता 4800 मेगावाट तक है और यहां 500 चीनी कर्मचारी हैं, लेकिन ये सब अब पाकिस्तान के जहन्नुम में 1 सेकंड भी नहीं बिताना चाहते। अब शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों से निपटने के लिए एक नया तरीका आजमाने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है और ये मैसेज ये है कि पाकिस्तान में चीन की फौज तैनात होगी। वजह यह है कि पाकिस्तान चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने में फेल हो चुका है। 26 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। ये हमला चीनी नागरिकों के काफिले पर हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को टक्कर मार दी। काफिला इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में अपने कैंप की ओर जा रहा था। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। 20 मार्च को बलूचिस्तान में भी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2022 में भी कराची यूनिवर्सिटी के पास चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2021 में भी हमला हुआ था जिसमें 9 चीनी नागरिक और 1 बच्चे की मौत हुई थी। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज दिया है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए चीन से कर्मचारी आए हैं जिन्हें आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। लिहाजा चीन अब अलर्ट है और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के पसीजते दिल को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक अब चीनी फौज पाकिस्तान में पहरा देगी। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो पोस्टर जिससे भारत और चीन ही नहीं 4 देशों में आतंकी हमले की धमकी दी गई है, इस पोस्टर को बहुत गौर से देखिए। पाकिस्तान की हर गली हर मोहल्ले चौराहे में इसकी चर्चा हो रही है। पोस्टर पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर हर भारतीय के जेहन में एक साथ 2 बातें आएंगी। पहले तो खून खौल उठेगा और फिर जोर की हंसी आएगी। तो सवाल है कि ऐसा क्या है इस पाकिस्तानी पोस्टर में? भारत है, चीन है, डेनमार्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। धमकी दी गई है कि इन 4 देशों में मॉस्को और कंधार जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाएगा। पोस्टर में कंधार हमले और मॉस्को हमले के फोटो भी लगाए गए हैं। मतलब ये कि रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन बम बनाएंगे, बारूद बिछाएंगे, एक तो नहीं 4 देशों को एक साथ उड़ाएंगे, दहशत फैलाएंगे। अब आते हैं कि इस पोस्टर का सच क्या है, किसने जारी किया है ये पोस्टर, पोस्टर छिपकाने का मकसद क्या है और पोस्टर किस आतंकी संगठन ने चिपकाया है। इस पोस्ट को जारी किया है आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस।
खुफिया सूत्रों का दावा है कि यह संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मुखौटा संगठन है और इसका मकसद आतंकवादी संगठन के नाम पर भारत में आतंक मचाना है। इस संगठन के पोस्टर में अन्य देशों के नाम इसलिए दिए गए हैं जिससे लोगों को यह न लगे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर भारत को धमकी जारी की गई है। मॉस्को को खून से रंग देने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के मंसूबे बुलंद हैं। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में बंदूकधारियों ने 133 लोगों को भून डाला, 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए, पूरा रूस थर्रा गया। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली आईसिस के ब्रांच आईसिस केपी यानी खुरासान ब्रांच ने। ये खुरासान ब्रांच तहरीके तालिबान पाकिस्तान की टूट के बाद ही अस्तित्व में आया था। मॉस्को हमले के बाद भी इंटरनेट पर ऐसी खबरें दिखी जिसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इस क्रूर हमले में हाथ होने का दावा किया गया। यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि मॉस्को में खून की होली खेलने वाले आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली हो। मॉस्को में इस काराना वारदात के बाद ये पोस्ट जारी किया गया। अभी 3 दिन हुए जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को भाषण बंद कर आतंकवाद पर नकेल लगाने की सलाह दी थी। आतंकवाद की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान में आतंकवाद का आलम यह है कि ये जब भी जी चाहे पाकिस्तान को दहला देते हैं। पिछले हफ्ते मुल्क के नेवी बेस पर हमला हुआ था। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ, आतंकवाद के कारण ईरान से पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा से सटे इलाकों में ऑपरेशन चलाता रहता है। कहने की गरज ये कि पाकिस्तान खुद आतंक के सामने घुटने टेक चुका है लेकिन अपनी आदतों से बाज अब भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, आटा दाल के भाव तक पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं रह गया है, जनता आधा पेट जिंदगी बसर कर रही है और इस बीच के पोस्ट जिसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है और पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम की इस घुटती चीख को दबाने के लिए तमाम तरह के पैंतरे बदल रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में वह भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात करा के अपने यहाँ के अवाम का ध्यान भटकाना चाहता है। इसके पहले भी आतंकवादी संगठन ISKP ने दुनिया के दूसरे देशों में आतंक का कहर मचाने का पोस्टर जारी किया था। भारत में सीमा पार से घुसपैठ जिस तरह से रुका है उसने पाकिस्तानी फौज और उनकी पनाह में जिंदा आतंकवादियों को बौखलाहट से भर दिया है। बाढ़, गश्ती सड़कों, फ्लड लाइटिंग सिस्टम और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण कर भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के पास जम्मू कश्मीर पर कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास आवाम के सामने कश्मीर को सुलगाते रहने का कोई ताजा और टटका बहाना नहीं मिल रहा है, लिहाजा कंधार जैसी आतंकी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुस्ताक अहमद जरकर, कंधार कांड के दौरान ये वो 3 आतंकी थे जिन्हें भारत को छोड़ना पड़ा था। कंधार दोहराने की बात इस पोस्टर में इसलिए की जा रही है कि 24 दिसंबर 1999 की शाम 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ तब भी उसे हाईजैक कर लिया गया था और कंधार ले जाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई और $20 करोड़ की फिरौती मांगी थी। उस वक्त भारत को समझौता करना पड़ा लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान के आतंकवादी अगर मॉस्को और कंधार जैसी वारदातों को अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत तय है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही तो दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है।